नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ठाट बिलावल के कॉर्ड्स बजाना सिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं उसमें, कॉर्ड्स अगर बजाएं तो कैसे बजाए जा सकते हैं ठाट बिलावल में। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि ठाट बिलावल में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे पहली काली से मैं बता रहा हूँ, सी शार्प से सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। और जिन लोगों को यदि ये ठाट बजाना नहीं आता हो तो इसके नोट्स कैसे निकालते हैं, यानी कि इसका स्केल कैसे निकालते हैं, ये भी मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए आप पहली काली से कोई भी नोट से आप बजाएंगे वही आपका सा हो जाता है। तो मान लीजिए मैं पहली काली से बजाऊंगा, ये मेरा सा हो गया। सा के बाद में दो फुल नोट लेना है, तो फुल नोट माने हाफ नोट छोड़ना है। इसके बीच बाद में ये आती है सफेद चाबी, ये हाफ नोट होता है। और फुल माने दो हाफ नोट मिलकर के एक फुल नोट बनते, तो ये सा हुआ सा रे गा। यानी जो हमारा नोट है उसके बाद में हमने दो फुल नोट ले लिए, तो रे गा हो गया। उसके बाद एक हाफ नोट लिया जाता है क्योंकि गा के साथ लगा हुआ मा होता है, तो एक हमने हाफ नोट ले लिया। उसके बाद में तीन फुल नोट लिए जाएंगे, तो इसके बाद पा धा नी, ये तीन फुल नोट हो गए, तो गा तक नी तक पहुंच गया मैं। अब नी के साथ ही, जैसे गा के साथ मा होता है वैसे नी के साथ में शा होता है, तो नी शा, ऐसे स्केल बनाया जाता है। तो हमारा स्केल हुआ शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा। अब हमें कोट्स का इसलिए हमें रियाज करना चाहिए, सपोज इस राग पर, इस ठाट पर, शुद्ध बिलावल ठाट पर या राग पर आधारित कोई गीत हुआ जिसमें सारे स्वर शुद्ध लग रहे हों, तो उसमें हम कॉर्ड्स कैसे बजाएंगे बहुत जानना जरूरी होता है। कॉर्ड के साथ में एक मेलोडी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉर्ड्स सिंगल नोट्स से नहीं बजता है, कॉर्ड्स हमेशा तीन नोट्स में बजता है, जिसके तीनों की मेलोडी अति सुंदर बन जाती है। जैसे सा, जैसे इसका मैंने सा का कॉर्ड बजाऊंगा, सी शार्प का मेजर कॉर्ड, तो ये बनेगा सा गा पा। यानी तीन नोट मिलकर के शुद्ध सा, शुद्ध गा और पा, ये तीन नोट की आवाज देखना मेलोडी। ये सिंगल नोट की आवाज है सा। ये जो कॉर्ड के साथ में हम जो बजाते हैं उसमें एक अतिरिक्त भराव आ जाता है, इसलिए अच्छा लगता है कॉर्ड। अब मैंने बताया कि सा गा पा से एक कॉर्ड बनता है। अब सबसे पहले सा कैसे बजाएंगे, जैसे अभी हम सा रे गा मा पा दा नी सा, तो ये पूरे स्केल में यानी कि सातों जो स्वर हैं उसमें सिर्फ तीन ही कॉर्ड बजेंगे। देखना सा, अब मैं सा को कॉर्ड में बजा रहा हूं सा, यानी सी शार्प, एफ और जी शार्प, ये पहला कॉर्ड हुआ। यानी सी शार्प मेजर कॉर्ड हुआ, ये सा का कॉर्ड ये हो गया। अब रे का कॉर्ड देखें, रे का कॉर्ड होगा ये वाला, यानी कि डी शार्प, जी शार्प और सी मैंने यहां ले लिया। यहां पे अगर इसको चाहूं तो इसको यहां भी जी ले सक, ये ले सकता हूं नी सी, यानी कि मैंने यहां सी नोट लिया है, डी शार्प, जी शार्प और सी, सी इधर भी है, सी इधर भी है, तो मैंने यहां ले लिया। ये हो गया रे। उसके बाद गा का कॉर्ड वही लगेगा सा गा पा, तीनों नोट्स के लिए एक ही कॉर्ड लगे। तो सा का ये हो गया सा रे गा, गा का भी वही कॉर्ड हुआ सी शार्प, एफ और जी शार्प। उसके बाद मा, मा का कॉर्ड ये बनेगा एफ शार्प, ए शार्प और सी शार्प।
अब सी शार्प यहाँ ना बजा करके मैंने इधर बजा दिया, बातें की है, मेलोडी एक ही रहती है, तो ये माँ हो गया माँ। उसके बाद पा, पा का भी वही होता है जो सी शार्प का होता है, तो ये पा हो गया। उसके बाद धा, धा का और माँ का एक ही कॉर्ड बनता है, एफ शार्प, एफ शार्प, ए शार्प और ये सी शार्प, तो सी यहाँ की जगह मैंने यहाँ ले लिया, धा हो गया। अब नी, नी के लिए वही कॉर्ड लगेगा जो रे, रे के लिए लगाया था, यानी कि डी शार्प, जी शार्प और शी, ये नी हो गया। और सा के लिए, सा के लिए कॉर्ड, सा के लिए भी यही कॉर्ड था, हम इसको ऐसे भी बजा सकते। और ये जो एफ है इसको यहां ना लेकर के यहां भी ले सकते हैं, कई तरीके होते कॉर्ड में। अब देखें, सा रे गा मा पा धा आपको रियाज करने चाहिए, सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा सारे गामा। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ये ट्यूटोरियल आप सीख लें, बहुत आपके काम आएगा। सारे गामा अभ्यास करें इसका, तो आपके कॉर्ड पक्के हो जाएंगे और आप अच्छे से बजाएंगे तो आपके वादन में मेलोडी बढ़ेगी और अच्छा भी लगेगा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार दोस्तों।